हाय फ्रेंड्स मेरा नाम मोहम्मद फयाज़ है और मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवन बायोलॉजी चैप्टर वन दैट इस लिविंग वर्ल्ड सेशन स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कि ओमिटेड पोर्शन जो है ट्वेंटी ट्वेंटी का वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ ओमिटेड पोर्शन फ्राम यहाँ से एक मिनट टैक्सोनॉमिक की यहाँ तक है उसके जो डेफिनेशन है लोगों के फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम वो नहीं है और कुछ जोलॉजिकल पार्क्स एंड बोटानिकल गार्डन वो सब नहीं है अप टू यहाँ तक है टैक्सोनॉमिक डेक्सोनॉमिकायटकी के ये पॉइंट्स रहती हैं तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ तो अगर हम लोग ये चैप्टर उठा लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वन और टू मार्क्स का रेयर क्वेश्चन है यहाँ से ही शुरू होता है दैट इज वॉट इज लिविंग लिविंग मतलब क्या लिविंग मीन्स हैविंग लाइफ और बींग अ लाइफ सेकेंड सम थिंग दैट कैन कैरी आउट सम एसेंशियल फीचर्स थर्ड लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड कैन कैरी आउट सेलर एक्टिविटी एक्टिविटीज ओके ये थ्री पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं जो वन और टू मार्क्स में आ सकते हैं रेयर है फिर भी अगर हम लोग ये थ्री पॉइंट्स लिख दिए तो हम लोग को फुल मार्क्स मिल सकते हैं ये ईजी क्वेश्चन ईजी पॉइंट्स हैं सेकेंड टॉपिक है कैरेटरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वट इज वट आर द करेटरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इज फाइव पॉइंट्स कंसिस्ट करते हैं ग्रोथ रिप्रोडक्शन मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन फिफ्थ मनज़ कॉन्शियसनेस ग्रोथ मतलब क्या ग्रोथ इज़ यूजली डिफाइंड बाय द इंक्रीज ऑफ मास इंक्रीज ऑफ मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम से डिफाइन होता है ग्रोथ सेकेंड ह्यूमन विजिबली ग्रो अपू अटेन एज सर्टिन एज तथी एक ह्यूमन और एक ह्यूमन सर्टिन एज तथी ग्रो होता है हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं अप फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव ईयर्स तथी अच्छा और बट द सेल कीप ऑन डिवाइडिंग सेल कीप ऑन डिवाइडिंग एंड थर्स न्यू सेल्स इन द बॉडी कीप ऑन रिप्लेसिंग द ओल्ड वंस थर्ड पॉइंट क्या है थर्ड पॉइंट ये है कि सम ऑफ द नॉन लिविंग थिंग्स जो रहते हैं वो भी ग्रो ग्रोथ रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ दैट इज साइज एंड साइज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ड्यू टू दकोमोडेशन ऑफ पार्टिकल्स फॉर एग्जाम्पल द ग्रोथ ऑफ़ माउंटेन लिविंग थिंग्स ग्रो ड्यू टू सेल डिविजन लिविंग थिंग्स सेल डिविजन के थ्रू ग्रो करते हैं पर नॉन लिविंग थिंग्स अकोमोडेशन ऑफ पार्टिकल्स के थ्रू ग्रो करते हैं तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रोथ इज नॉट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग कैरक्टर हम लोग डिफाइन कैरेक्टर नहीं, नहीं बोल सकते सेकेंड रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन मतलब इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एन इंडिविजुअल लाइक इट्स ओन लाइक फोटोकॉपी ओके तो सेकेंड पॉइंट रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स एक तो सेक्चुअल एंड सेकेंड इज ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द मैमल्स जो हैं लाइक ह्यूमन्स रिप्रोड्यूस बाई सेक्चुअल रिप्रोडक्शन ओके

इन डिफाइनिंग लिविंग एक डिफाइनिंग एंड टिपिकल कैरेक्टर नहीं बोल सकते सच इज़ ग्रोथ हम लोग नहीं बोल सकते ग्रोथ एंड इंपोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर और टिपिकल कैरेक्टर अगर बात करें मेटाबॉलिक मेटाबॉलिज्म सेलोलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस ये सब टिपिकल एंड डिफाइनिंग कैरेक्टर हैं मेटाबॉलिज्म की बात करें तो इट कम्प्राइज ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस जो हम लोग के लिविंग सेल नहीं तो लिविंग बॉडी में अकर होता है Second, it is a typical characteristic of living beings because non living things do not show metabolism. Okay, cellular organization, about kare to, so organisms are typically made of cells. Second, cells form tissues, tissues from organs, organs from organ system, and organ system form organism, the whole organism, which we have learned And that is, last characteristic, it is a property through which an organism reacts to an external stimulus. और जो चेंज होता है एनवायरनमेंट में सेकेंड डिसेंस एनी चेंज जो चेंज इन्वायरमेंट में होता है वो सेंस करते हैं इजली ओके जो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं कर पाते क्राइटेरिया डिटरमाइन व्हाट इज़ लिविंग लिविंग लाइक हम लोग डिटरमाइन करना चाहते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया है तो यहाँ कुछ सिक्स पॉइंट्स हैं फर्स्ट पॉइंट इज अ लिविंग थिंग इज एबल टू मेंटेन इंटरनल इंटरनल एनवायरनमेंट जो रहता है बॉडी का वो मेंटेन कर पाते हैं इसका जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं होम हॉस्िस सेकेंड पॉइंट द स्ट्रक्चर ऑफ अ लिविंग थिंग जो है हाईली ऑर्गेनाइज है उसका पोजिशन ऑफ द ऑर्गन सब हाईली ऑर्गेनाइज है थर्ड पॉइंट इट शुड बी एबल टू ब्रेक डाउन और बिल्ड अप न्यूट्रियस ब्रेक डाउन इट बिल्डअप करना चाहिए न्यूट्रिय किसके कारण मतलब uh, क्यों करते हैं वॉट इज द रीजन टू कैरी आउट मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिएक्शन फोर्थ पॉइंट इज इट शुड हैव द एबिलिटी टू अडेप्ट चेंजिंग एनवाइ कंडीशन जो एनवाइ में जो चेंजेस आते हैं उसे अडेप्ट कर पाते हैं तो उसे बोलते हैं लिविंग ओके एंड फिफ्थ पॉइंट इट शुड हैव द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एक्समिली जो है एक्सट्रंसमी कोल्ड लाइक टेम्परेचर ह्यूमिडिटी पार्ट के लिए इतना ही था नेक्स्ट वेड थे मैं भी अपलोड करूँगा दूसरा पार्ट और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए आस मस्टी शेयर कीजिए और, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दीजिए थैंक यू टेक के बाय बाय